ऑल आई होप यू ऑल आर हेलिंग हार्टी, यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो ये म्यूजिक आपने कभी मॉर्निंग में, इवनिंग में या कभी जब भी मोदी जी ने स्पीच दी होगी तो ये जरूर सुना होगा। और ये स्वच्छ भारत का जो अभियान है, ये इससे हम क्या पढ़ने वाले आज के चैप्टर में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये खासकर आपने रोज सुबह सुबह इसलिए भी सुना होगा क्योंकि आपके घर से गार्बेज भी तो जाता है, वो गार्बेज वाले जो कूड़ा लेने आपके घर पे आते हैं वो आपका गार्बेज भी तो जाता है। तो ये चीज हम क्यों पढ़ने वाले हैं और ये म्यूजिक के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम लेक्चर आज के लेक्चर में हम स्वागत करते हैं। सो माय नेम इज तानिया शर्मा, आई वेलकम यू ऑल टू द चांस बैच फॉर क्लास 6 एंड वी आर स्टडिंग अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एज अ चैप्टर। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है हम कुछ हमेशा स्टोरी वाइज ही शुरू करते हैं, जैसे कि तो ये एक स्टोरी है वसंत कुंज के एक टाउन की। और वसंत कुंज के टाउन के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हैं और ये शरारती बच्चों ने क्या किया, ये खेलने लग गए क्रिकेट यानी कि बैट बॉल। और बैट बॉल खेलते खेलते कभी ये यहाँ 6 मार रहे हैं, कभी ये वहां 4 मार रहे हैं और कभी ये आउट कर रहे हैं किसी ना किसी को, किसी ना किसी टीम को। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन खेलते खेलते इन्होंने आंटी पूजा आंटी का विंडो पेन तोड़ दिया, यानी कि ऐसा 6 मारा जिससे पूजा आंटी की जो विंडो है वो टूट गई। तो ये बच्चे बहुत ही ज्यादा सैड हो गए और पूजा आंटी ने बहुत डांटा और ये भी बोला कि मैं पुलिस बुला लूंगी। ये सुन के जब आंटी पुलिस बुला लेगी, ये सुन के बहुत सारे बच्चे डर गए और बहुत सारे बच्चे घबरा गए कि अब वो क्या करें। तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना पूजा आंटी से माफी मांग ले। जब वो पूजा आंटी से माफी मांगने गए तो पूजा आंटी ने बोला आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो सारे बच्चे जुट गए और इन्होंने अपनी सेविंग से पूजा आंटी की विंडो ठीक करा ली। और अगले दिन ये फिर मस्ती शरारतों में लग गए और इन्होंने अपना क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार इन्होंने पूजा आंटी की विंडो पे ना तोड़ के जो स्ट्रीट की लाइट होती है वो तोड़ दी। और ये देखकर सारे बच्चे और दुखी हो गए, सारे जो गली हैं, गली मोहल्ले की आंटियां बाहर आ गई और सबको डांटने लगी कि इस बार तुमने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी खराब की है, तुमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी। अब यहाँ पे कौन सी आंटी नाराज होगी, इनको नहीं पता था। तो ये घबराते घबराते अपनी मम्मी के पास गए और पूछने लगे कि अब हम क्या करें आंटी, और हम क्या करें। तो आंटी ने समझाया कि क्या होता है यूजुअली जब भी हम प्रॉपर्टी या जब हम पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, वो किसी हाउस की प्रॉपर्टी तो नहीं है। अगर हम पूजा आंटी की दरवाजे पे या फिर पूजा आंटी का विंडो खराब करेंगे तो वो पूजा आंटी डांटेंगी, लेकिन ये तो पब्लिक था ना, ये तो गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट इसको ठीक कराएगी, कौन सी गवर्नमेंट पनिश करेगी। तो उन्होंने कहा कि पनिशमेंट का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप इसको ठीक कराना चाहते हो तो आपको एक ऐसे गवर्नमेंट के बंदे के पास जाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है, जब भी हम टाउन्स एंड सिटीज में रहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहां का देखभाल करती हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनकी होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उनकी होती है BMC बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ऐसे आप अपने जो एरिया में रहते हो उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में लिखो तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि कौन से बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने यही जा रहे हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डे टू डे लाइफ में जो क्लीनिनेस होती है वो कौन करता है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान का हमने गाना सुना और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पता है हमें कि हमें क्लीन रखना चाहिए, तो हर एक टाउन या हर एक सिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बिग टाउन्स होते हैं वहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है, जो छोटे टाउन्स होते हैं वहां पे म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। चलिए इसके बारे में आने वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहली बात है, देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। हमें किसी को पैसे थोड़ी देने होते हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बोला जाता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही तो
देखभाल करती है कि गलियों में कूड़ा इकट्ठा ना हो, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन हो, ठीक है, जो कूड़ा है वो कलेक्ट हो, स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन्ड हो, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, और जो है कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मार्केट क्लीन। तो क्लीनिनेस बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और हमें हर इंसान को अपने घर में, घर के बाहर हमेशा एक स्वच्छ भारत का अभियान लेना चाहिए और इसको आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो एक मॉरल साइंस हम बोले, मॉरल चीज, हम एक मॉरल लेके जा रहे हैं आज के लेक्चर, जो कि है सफाई। और वैसे भी दिवाली आ रही है बच्चों, तो सफाई तो हमें वैसे भी करनी होती है, राइट, पर इसके अलावा हमें हमेशा सफाई रखनी है। तो ये कोशिश करना कि आप अपनी मम्मी की, सिस्टर्स की, फादर्स की, अपने रिलेटिव्स की, इनफैक्ट स्कूल में टीचर्स की, इनफैक्ट जो गली मोहल्लों में बाकी सब आंटियां आंटीज होती है, उनकी भी आप मदद करेंगे, राइट। तो अब बात होती है, हम बात करें, जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन होता है, वो कॉरपोरेशन ये बिग होती हैं, ठीक है, ये बिग एरियाज में पाए जाते हैं, यानी कि बड़ा एरिया। और अगर अर्बन में ही अगर मैम कोई छोटा एरिया हो, तो छोटे एरिया यानी कि स्मॉल एरियाज के अंदर, चाहे वो अर्बन एरिया हो, वहां में पाई जाती है म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, ये दो चीजें समझ आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मैम ये क्या क्या करते हैं, ये गार्बेज कलेक्शन करते हैं, इनका क्या क्या रोल होता है, गार्बेज कलेक्शन। आपको कोई कूड़ा फेंकने से मना नहीं कर सकता, पूरे कूड़े की गाड़ी आती है और आपका गार्बेज उठा के जाती है एवरी मॉर्निंग, ठीक है। पार्क्स एंड गार्डन्स बनाना, पार्क्स एंड गार्डन्स बनाना, और इसके अलावा इसको क्लीन रखना, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा आपको पता है गार्बेज पिकअप किया जाता है, गार्बेज कलेक्शन ट्रक से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस होती है, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है डिपार्टमेंट यानी कि वाटर। तो अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर की सप्लाई भी होती, कभी हम बोलते हैं ना कॉरपोरेशन का पानी, तो कॉरपोरेशन का पानी क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है, उसको कॉरपोरेशन का पानी बोला जाता है। और एक बोरवेल होता है, बोरवेल यानी जो हम अपनी अर्थ को डक करके वाटर निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड बोरिंग का वाटर यानी बोरवेल वाटर, या कॉरपोरेशन का वाटर यानी जो हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये हमें अर्बन एरिया यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पाई जाती हैं, पार्क्स एंड गार्डन्स, गार्बेज कलेक्शन ट्रक्स, स्ट्रीट लाइट्स एंड क्लीनिनेस एंड ऑफ कोर्स वाटर। सो ये सब हमें प्रोवाइड करना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ड्यूटी होती है। इसके अलावा छोटे छोटे स्कूल्स भी होते हैं, बहुत बड़े स्कूल्स तो नहीं, लेकिन छोटे स्कूल्स भी पाए जाते हैं टाउन्स एंड लोकेलिटीज में। इसके अलावा कॉलेजेस भी होते हैं, वोकेशनल कॉलेजेस आपने सुने होंगे, तो वोकेशनल कॉलेजेस भी होते हैं छोटे स्तर पर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिस्पेंसरीज होती हैं, और वी कैन से स्मॉल हॉस्पिटल्स, ये सब का ख्याल भी ड्यूटी होती है हर इंसान को प्रोवाइड कराना, किसकी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इन द अर्बन एरियाज, ठीक है। अब बात आती है कि बिग सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है और स्मॉल टाउन्स में क्या होता है, म्यूनिसिपल काउंसिल। ये हमने पढ़ लिया अभी फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है। तो फटाफट पढ़ लेते, बिग सिटी में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, स्मॉलर टाउन्स में बोला जाता है म्यूनिसिपल काउंसिल,
ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल, ये दो चीजें, दो पॉइंट हमेशा याद रखना। आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा स्टोरी दी गई है, लेकिन स्टोरी हमें क्या सिखाना चाह रही है ये मैं आपको बताने आई हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर कोई होता है कि और कोई उसकी मदद करके डिसीजन ले ले? बिल्कुल हाँ। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो इतने सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे कि उनको पूरी सिटी भी क्लीन करनी होती है, ठीक है। तो लॉट ऑफ वर्क टू कीप सिटी क्लीन, द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स। अब क्या होता है, जब हमें यह पता लग गया कि बिग टाउन को हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, तो बिग एरिया या सपोज ये बिग टाउन है, इसकी डिवीजन हो जाती है और ये जो डिवीजन हो रही है दैट इज बेस्ड ऑन एरिया। तो एक टाउन है, सोचो ये टाउन है, ठीक है, और टाउन का डिवीजन हो गया, ठीक है, टाउन है और टाउन को हमने एरिया वाइज डिवाइड कर दिया, और इस डिवीजन को हम क्या बोल रहे हैं, इस एरिया को हम बोल रहे हैं वार्ड्स, ठीक है। तो हो गया वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 5, 6, 7, 8, 9। तो सोच लो कि ऐसे वार्ड्स होते हैं, वार्ड मतलब छोटे एरियाज, ठीक है। अब इन वार्ड्स में से हर एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इन वार्ड्स में से हर एक बंदे को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। अभी हम बात करें बिग एरिया की, ठीक है। तो इन वार्ड में क्या होता है, इन वार्ड में हर एक इंसान को, एक एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है। सपोजेडली ये हुआ हमारा वार्ड 1, ठीक है, ये हुआ हमारा वार्ड 2, ये हुआ हमारा वार्ड 3, ये हुआ हमारा वार्ड 4, ये हुआ हमारा वार्ड 6, ये हुआ हमारा वार्ड 7, ये हुआ हमारा वार्ड 9, ये हुआ हमारा वार्ड 8 और ये हुआ हमारा वार्ड 5, ठीक है। तो फिर भी एक बार क्या कर लेते हैं, नंबर कर लेते हैं, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, वार्ड 6, 7, 9 एंड वार्ड 5। तो यानी कि हमने इन एरियाज को अलग अलग कर दिए, यानी कि ये एक टाउन के छोटे छोटे एरियाज बन गए। अब इन एरियाज में से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, हर एक वार्ड में से एक एक बंदे को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये हर एक वार्ड को क्या रिप्रेजेंट करता है, इनको बोलते हैं वार्ड काउंसलर। ठीक है, हर एक वार्ड में से एक बंदा सिलेक्ट किया जाता है और इसमें क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वार्ड काउंसलर, ठीक है। अब ये लाइन देखो, द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स, ठीक है। तो ये कौन करते हैं, ये हर एक वार्ड के काउंसलर करते हैं। कांगी हमारी पिक्चर, ओके। तो ये कौन है, ये हैं वार्ड काउंसलर्स। ओके, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो एरिया होता है एक टाउन का या सिटी का, वो डिवाइड होता है इनटू एरिया जिनको वार्ड्स बोला जाता है। उन वार्ड में से एक एक इंसान आता है और उनको बोला जाता है वार्ड काउंसलर, और वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। और अब मेरी बात सुनो, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। अभी हमने सिटी को डिवाइड किया, हमने सिटी देखी, हमने सिटी में वार्ड्स बना दिए, ठीक है, वार्ड कर दिए, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4, ऐसे हमने अलग अलग एरिया वाइज डिवाइड कर दिए, वो वार्ड्स होते हैं। अब उसमें से इलेक्ट करते हैं, ये वार्ड काउंसलर जो होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा ना, कहां गए, ये रे। अब ये जो वार्ड काउंसलर्स हैं, ये कैसे आए हैं, ये वार्ड काउंसलर इन एरिया में से इलेक्ट होके आए हैं। क्या होकर आए हैं,
इलेक्ट होकर आए हैं। ये वार्ड काउंसलर्स कैसे आए हैं, ये इलेक्ट होकर आए, यानी कि इनकी वोटिंग हुई है। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं हम। ठीक है, चलो यहां तक समझ आ गया। ये स्लाइड को मैंने एक बार वो किया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और समझ लें। ये वार्ड काउंसिल हो गए, ये बिग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया है, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। और ठीक है, अब बात करते हैं कि वार्ड काउंसिलर के ग्रुप को क्या बोला जाता है। अब जैसे कि बहुत सारा डिसीजन लेना है, बड़ी सारी चीजें डिस्कस करनी है, डिबेट करना है, पूरे एक टाउन का गार्डन बनाना है, पूरे टाउन की क्लीननेस नहीं हो रही, अगर हमें टाउन या जो हमारा जो टाउन है उसके बारे में कुछ वर्किंग करनी है तो वो कौन करेगा, वो करेंगे ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, ग्रुप ऑफ वार्ड काउंसलर। जैसे कि वन का कौन है, पिंक मेंबर है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वन को। नंबर टू कौन सा है, नंबर टू कौन सा, पर्पल है, ठीक है, तो ओके। देन नंबर थ्री कौन सा है, ये ध्यान रखो, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं ताकि आपको समझ आए कि क्या करना चाह रहे हैं। आप भी ऐसी ड्राइंग बनाना ताकि आपको समझ आए, क्योंकि आपकी बुक में इतना सिंपलिस्टिक फॉर्म में नहीं दिया गया। ठीक है, फोर है हमारा ब्लू कलर, ठीक है, फाइव वार्ड कौन है, कौन सा इलेक्ट हुआ था फाइव में से इलेक्ट हुआ था हमारा ऑरेंज वार्ड काउंसलर। सिक्स में से हुआ था अगेन पिंक, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूं। सेवन में अगेन ब्लू, ठीक है, एट में वी हैव रेड, एंड नाइन में वी हैव व्हाइट, सॉरी। ठीक है, अब क्या हो गया कि मैम ये तो इलेक्टेड है, ये जो वार्ड काउंसलर्स हैं ये इलेक्टेड है, यानी कि इसमें हुआ होगा वोटिंग सिस्टम, यहां पे इन सबके वोट डले होंगे, तो हर एक वार्ड में से एक एक काउंसलर बन गया। अब जैसे कि हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग क्लेनिनेस, रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो कौन करेगा, वो करेंगे ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, यानी कि ये सारे वार्ड के काउंसलर मिल जाएंगे, ठीक है, और एक ग्रुप बना लेंगे। सारे वार्ड के काउंसलर्स क्या करेंगे, मिल जाएंगे और एक ग्रुप बना लेंगे, और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, और ये ग्रुप क्या करेगा भला, ये ग्रुप क्या करेगा, ये जो ग्रुप ऑफ काउंसलर बना अब हमारा, इन्हीं में से तो बना, ये पहले हमने टाउन बनाया, टाउन में से हमने वार्ड बनाए, वार्ड के अंदर से हमने इलेक्शन करा के क्या बना दी, वार्ड काउंसलर्स बना दिए। अब वार्ड काउंसलर्स इकट्ठा आके ग्रुप बनाएंगे और डिस्कस करेंगे वेरियस थिंग्स, डिस्कस करेंगे प्लस डिबेट करेंगे और वेरियस थिंग्स जो हमारे टाउन की जरूरतें हैं, तो ये सारे मिलके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब समझ आ गए हमें, आगे बढ़ते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, ठीक है, जो एंटायर सिटी का है, बिकॉज हम पूरी सिटी की बात करते हैं, सिटी में अलग अलग काउंसलर, अलग अलग वार्ड काउंसलर्स हैं अलग अलग वार्ड से, जैसे हमने 1, 2, 3 करा, हमने कलर्स दिखाए, तो इसमें से क्या होगा, ये सारे इकट्ठे आएंगे और ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पूरे टाउन की बात करनी है। ठीक है, टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर हु फॉर्म कमिटीज डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज, ठीक है, डिसाइड करेंगे, कमिटी फॉर्म करेंगे और हर एक वार्ड काउंसलर अलग अलग आएगा और डिस्कस करेगा कि ये क्या इशू है। ठीक है, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं यहां तक का कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अर्बन एरिया, बिकॉज सम ऑफ द पीपल लिव इन अर्बन, सम ऑफ द पीपल लिव इन रूरल एरियाज, ठीक है, अर्बन एरियाज को दो में डिवाइड करते हैं, एक बिग टाउन एंड सिटी, एक स्मॉल टाउन एंड सिटी। ठीक है, जो छोटी है और जो बड़ी है, जो बड़ी है उसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल देते हैं और जो छोटी है उसको म्यूनिसिपल काउंसिल बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है, जो बड़ी है उसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल देते हैं और जो छोटी है, सपोज इतनी है, तो इसको हम म्यूनिसिपल काउंसिल बोल देते हैं। ठीक है, अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है बड़ी है और इसको हम डिवाइड करते हैं एरिया वाइज। ठीक है, यहां पे मैं फिर से लिख देती हूँ सुंदर राइटिंग में, यहां पे हम इसको एरिया वाइज क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमने डिवाइड कर दिया एरिया वाइज। ठीक है, और इस डिविजन को हमने बोला वार्ड्स, इस डिविजन को क्या बोला हमने वार्ड्स। अब वार्ड्स के अंदर क्या करते हैं हम, वार्ड्स के अंदर इलेक्ट करते हैं, यानी कि वोट कराते हैं अलग अलग
एरिया वाइज, जैसे कि 1 एरिया 2 एरिया 2 वार्ड 3 वार्ड 4 वार्ड, हर एक वार्ड में एक एक बंदे को इलेक्ट करते हैं और उस इलेक्टेड बंदे को हम क्या बोलते हैं, एक वार्ड का काउंसलर। हर एक वार्ड का काउंसलर होता है। अब जैसे कि पूरे पूरे सिटी का मुद्दा हमें डिस्कस करना है, डिबेट करनी है, या ये देखना कि कैसे होगा, तो वो हम कैसे करते हैं, थ्रू ग्रुप। यही सारे लोग, यही सारे वार्ड काउंसलर्स इकट्ठा एक ग्रुप बना लेते हैं और ये डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं सारी चीजें जो कि पूरे टाउन में होनी है, जो कि पूरे टाउन में होनी है, और इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। तो यही तो हमने लिखा है, यही तो आपकी बुक में लिखा है स्टोरी वाइज, ठीक है। और मैंने एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी से लिखी है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, कोई ऐसे बड़े डिसीजंस होते हैं जो नहीं ले पाते, तो वो ग्रुप ऑफ काउंसलर साथ में लेते हैं। हर एक वार्ड के काउंसलर साथ में आते हैं और वो साथ में लेते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, वेरी गुड। चलिए अब बात आती है, व्हाइल द काउंसलर्स कमिटी एंड द काउंसिल डिसाइड ऑन इश्यूज, द कमीशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दीज। ठीक है, अब ये लाइन से पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक हमने समझा, एक और बार एक रिविजन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अर्बन एरियाज को हम दो में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये बना लो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक होता है बिग, एक होता है स्मॉल। ठीक है, जो बिग वाला होता है उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जो स्मॉल होता है उसको हम बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। जो बिग वाला होता है वो एरिया को क्या करते हैं, वार्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, वार्ड्स के अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है, वार्ड्स के अंदर डिवाइड होता है, और हर एक वार्ड में से वार्ड काउंसलर चूज किया जाता है। हर एक वार्ड में से क्या किया जा रहा है, वार्ड काउंसलर चूज किया जा रहा है। ठीक है, एवरी वार्ड हैज इलेक्टेड, इलेक्टेड क्या है, इलेक्टेड वार्ड काउंसलर है। ठीक है, और बाय चांस कोई दिक्कत आती है तो सारे वार्ड के काउंसलर एकत्रित होकर ग्रुप ऑफ काउंसलर बना लेते हैं। यहां तक समझ आया? अब नेक्स्ट लाइन क्या बोली मैम, वहां पे जो लिखी थी वो लाइन समझाना। तो वो लाइन क्या है बेटा, वो लाइन ये बोल रही है हमें, वो लाइन बोल रही है कि काउंसलर्स की जो कमिटी होती है और काउंसलर डिसाइड करते हैं, ठीक है, इनके नीचे, एक मिनट कहां गए, ठीक है, तो हमने बोला कि ग्रुप ऑफ काउंसलर डिसाइड करती है, कमिटी बनाते हैं। ये ग्रुप ऑफ काउंसलर क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है। ठीक है, ग्रुप ऑफ काउंसलर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और ठीक है ये बना रहे हैं, ये लॉ एक तरह से बना रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, कमिटी बना के डिसाइड कर रहे हैं। कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कमेटी बना के, ये कमेटी बना के क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो निभाएगा उसको, जो करके दिखाएगा, वो होता है कमिश्नर। ठीक है, वो होते हैं कमिश्नर, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और ये स्टाफ जो होता है उनको अपॉइंट किया जाता है। बेटा वर्ड याद रखना, अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ काउंसिल वो फ्लो चार्ट पे आएंगे, वो ड्राइंग पे आएंगे, उसे ज्यादा समझ आ रहा था बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, यहां पे आते हैं हम। ठीक है, इसकी कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ा ना कि ग्रुप ऑफ काउंसिल डिस्कस करते, इसको डिलीट कर देते क्योंकि ये पहले स्लाइड पे है। ठीक है, अब ये सारी बात पता ही है ना, हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कर रहे हैं। ठीक है, सारी बात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कर रहे हैं। ठीक है, अब बात यहां तक आ गई कि यहां से वार्ड काउंसलर इलेक्ट होते हैं और कभी कभी बड़ा इशू होता है तो यहां पे ग्रुप ऑफ काउंसलर्स जो होते हैं यहां पे लिख देते हैं। ये क्या है, ये है ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स बड़े मुद्दों को क्या करते हैं, बनाते हैं, बड़े मुद्दों को बनाते हैं, लॉ मेकिंग कर रहे हैं।
ठीक है, और ये कौन है, ये सब इलेक्टेड है, क्योंकि इनमें से ये जो है वो यही तो है, इस इन्हीं के इन लोगों का तो ग्रुप बनाया ना हमने, वार्ड नंबर 1 2 ऑफ कलर्स देखो सेम ही है। तो ये लोग जब ग्रुप बन गए, इन्होंने बड़ी बड़ी कमिटी बनाई। अब ये जब मिलते हैं आपस में तो ये कमिटी बना रहे हैं, ठीक है, ये कमिटी बना के डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, और ये ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हैं। अब इनके नीचे ये तो बना रहे हैं बिग बिग रूल्स बना रहे हैं, तो इनको करके कौन दिखाएगा? यानी कि अगर इन्होंने बोला कि कूड़ा कलेक्ट होना चाहिए 2 टाइम सुबह और शाम, इन्होंने तो बोल दिया, इन्होंने रूल बना दिया, इसको करके कौन दिखाएगा? एक्चुअली में कौन देखेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? 2 लोग, ठीक है, 2 लोग देखेंगे, और 2 लोग कौन है वो, ठीक है, वो कौन है, 2 लोग, 2 लोग देखेंगे, वो 2 लोग कौन है जो इनके अंडर आते हैं, वो 2 लोग हैं, एक हो गया आपका कमिश्नर, एक हो गया आपका कमिश्नर, और एक हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। एक हो गया आपका कमिश्नर और एक एडमिनिस्ट्रेशन साहब। अब ये 2 लोग लिटरली में 2 लोग नहीं होते, होते बहुत सारे हैं, पर ये अपॉइंटेड होते हैं। जैसे कि वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया गया था, इनको ये लोग अपॉइंट करते हैं, इनको ये लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, अपॉइंट इनके बोलने पे होता कि भाई तुम बन जाओ, तुम बन जाओ या तुम बन जाओ, ठीक है, अपॉइंट करते हैं। ये ग्रुप ऑफ काउंसलर्स जिनको बोलेंगे वो अपॉइंट हो जाएंगे, कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। यही तो लिखी थी वो लाइन, आ जाए वहां पे, चलिए आ जाइए। द काउंसलर्स कमिटी, यानी कि जो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हैं, एंड द काउंसलर डिसीजन ऑन इश्यूज, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दीज, वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं, वो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, और जो काउंसलर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। ये हमें समझ आ गया इस स्लाइड से, ठीक है, ये हमें यहां से समझ आ गया, ये रहा कहां गया, ये रहा हमने यहां लिख दिया कि जो काउंसलर्स है, ये जो काउंसलर हैं ये सब इलेक्टेड हैं, लेकिन ये जो 2 लोग हैं जो काउंसलर के नीचे आते हैं ये अपॉइंटेड है, यानी कि कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो अपॉइंटेड होते हैं, और जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उनको वोटिंग करके लोगों ने बनाया, ठीक है, उनको वोटिंग करके किसने बनाया, लोगों ने बनाया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आपकी बुक में भी दिए हैं, एग्जैक्टली सेम है, अब आप बताएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 है, इसके आंसर्स भी नीचे लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1, इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स, जो पंचायत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं, या तो उनको पंच बोला जाता है या तो उनको सरपंच बोला जाता है, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनको इलेक्शन करके जिताया गया है। The city is divided into several city, जो municipal corporation अभी हम देखा किस में डिवाइड होती है, wards के अंदर डिवाइड होती है, ठीक है, divided into different wards. In a municipal corporation, the elected members, अभी हमने कहा elected, एक elected है एक appointed है, elected कौन हुए, elected हुए councillors, ward councillors. ठीक है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट, ऐसे ग्रुप ऑफ जो हमने अभी ग्रुप बनाया ना, ग्रुप 1 2 3 4 एग्जाम्पल था, तो ग्रुप क्या करता है, वो जो सिटी को इफेक्ट कर रही हो चीजें, है ना, तो इफेक्ट द सिटी, एंटायर सिटी, जो पूरे सिटी की प्रॉब्लम है एंटायर सिटी की, उसको क्या करता है वो ग्रुप ऑफ काउंसलर डील करते हैं उससे। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 years, ये तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। While the counselors make decisions, the administrators are led by the commissioner dash this. तो हमने पढ़ा कि counselor क्या करता है, counselor decisions लेता है, make करता है decision को, administrative staff और commissioner क्या करता है, उसको implement करता है, implement का मतलब उसको करके दिखाता है, ठीक है, implement करना यानी कि teacher ने बोल दिया, for example teacher ने decision लिया,
टीचर ने डिसीजन लिया कि बेटा ये याद कर लेना, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, याद करके, तुमने याद कर लिया यानी कि तुमने इम्प्लीमेंट कर दिया। काउंसलर ने डिसीजन लिया कि भाई सुबह शाम कूड़ा होना चाहिए कलेक्ट, गार्बेज कलेक्ट होना चाहिए, करके किसने दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कमिश्नर ने सच में गाड़ी भेजी और करके दिखाया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ये वाला, देख लो बेटा, पहले कॉम्पोज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमने ये कर लिया म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, एक हो गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक नगर पालिका होती है, ठीक है, ये वाली हम डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, हमने ये किया और ये किया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपल काउंसिल का दूसरा नाम म्यूनिसिपैलिटी है क्योंकि ये स्मॉल एरिया की होती है और ये बिग एरिया की होती है। ठीक है, क्लियर। चलो ये पढ़ लेते हैं, ये आपकी बुक में है। हाँ, अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे कैसे मिलते हैं, हर चीज गवर्नमेंट की किसी भी चीज को या गवर्नमेंट की किसी भी हम बोले लेवल को पैसे थ्रू टैक्सेस मिलते हैं। ठीक है, फटाफट रीडिंग करते हैं, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स टैक्सेस इन ओके कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। अ टैक्स इज सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट। तो टैक्स कौन देता है, पीपल देते हैं, पीपल टैक्स देते हैं, किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, ये चीज तो पता है ना। ठीक है, पीपल हु ओन, कैसे, कौन से टैक्स होते हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सर्विस टैक्स। ठीक है, बस यहां से अर्न करती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। टैक्स देख लो किसका होता है, हाउस टैक्स, और इन दोनों टैक्सेस से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न करती है, मनी अर्न करती है। ठीक है, सो देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज। इफ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे टैक्स फॉर दिस एज वेल। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी मूवी लुक केयरफुली एट योर टिकट बिकॉज यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। तो हर एक चीज में अगर आप देखोगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, सर्विस टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स किसको जाता है, ये टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, तो इसलिए वो कमाती है। गवर्नमेंट कैसे कमाती है, हम जो टैक्स देते हैं। कभी मम्मी पापा के साथ मूवी देखने जाओ, मम्मी पापा के साथ आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, मम्मी पापा के साथ कुछ शॉपिंग करने जाओ, हर एक चीज पे नीचे टैक्स लगता है। वो टैक्स किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऐसे कमाती है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट। अब क्या होता है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स कैसे, द वर्क इन द सिटी डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो देयर इज वाटर डिपार्टमेंट। ठीक है, एक वाटर डिपार्टमेंट होता है स्पेशली जो पानी का देखता है, पानी का इशू नहीं आया तो उसके डिपार्टमेंट में जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर होती ना, पीटीएम पे अगर क्लासेस से बोलते कि मेरे बच्चे के मैथ्स में मार्क्स कम आए हैं, तो मैम कहती जाओ मैथ्स वाले टीचर से बात कराओ, साइंस में मार्क्स कम आए तो साइंस वाले टीचर से बात करो, डिपार्टमेंट है सब्जेक्ट टीचर। तो ऐसे ही एक वाटर डिपार्टमेंट होता है, एक गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक रोड्स का होता है और एक गार्डन का होता है। ठीक है, फोर डिपार्टमेंट्स, व्हाट आर द फोर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया हमारा वाटर डिपार्टमेंट, देन वी हैव आवर गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, देन वी हैव डिपार्टमेंट दैट लुक्स आफ्टर आवर गार्डन, और एक हमारी रोड्स की तरफ देखता है। तो कल को आपकी सड़क खराब है, आप किसके पास जाओगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाओगे, काउंसिलर के पास जाओगे और बोलोगे हमारी रोड ठीक नहीं है। कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, इनसे डरना थोड़ी, ये तो हमारे लिए ही काम करते हैं क्योंकि हमसे टैक्स जरूर लेते हैं, मम्मी पापा की पॉकेट में से टैक्स जाता है। तो अगर आप स्मार्ट हो, वहां का काउंसिलर ढूंढो अपने एरिया का और बोलो कि यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है, यहाँ का पार्क टूटा फूटा है। तो कोई भी प्रॉब्लम आपको रहती तो आप अपने वार्ड काउंसलर से बात कर सकते हो। और उससे भी नीचे हमने क्या पढ़ा, अपॉइंटेड कौन होता है, कमिश्नर होता है अपॉइंटेड, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वहां भी जा सकते हो बात करने के लिए, बट वार्ड काउंसलर से ज्यादा आप तरीके से बात कर सकते हो।
ठीक है। एक लास्ट चीज पढ़ते हैं, एक ऐसी केस स्टडी आई थी, एक सिटी है सूरत की, वो बहुत ही गंदी सिटी थी, डर्टी सिटी, ठीक है, और वहां पर प्लेग आया था 1994, यानी कि जब आप पैदा भी नहीं होगे तब की बात है, 1994 के अंदर वहां पे आया था प्लेग। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत ही डर्टी सिटी मानी गई थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा कचरा और स्मेल पड़ गई थी, और उसी के चक्कर में प्लेग आ गया था। प्लेग एक ऐसी बीमारी होती है जो गंदगी से फैलती है। Houses, hotels and restaurants would dump their garbage. So, ma'am, ये garbage कैसे आया? Houses, hotels, restaurants सारा dump, यानी कि अपना कूड़ा लाके वहीं फेंक देना देते थे, ठीक है, into the nearest drain street, which made it very difficult for the sweepers to collect and transfer the garbage into selected dumps. तो जो गार्बेज वो जो स्वीपर से वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल पाते थे कि हम इसको सेपरेट कैसे करें, बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया था। So in addition to this, municipal corporation ने भी उस time कुछ काम नहीं किया, did not collect the garbage as often it should have, and this led to situation getting worse. Municipal corporation को करना चाहिए, municipal corporation ने भी नहीं किया, उस चक्कर में क्या हुआ, situation खराब हो गई और plague जो था एक बीमारी थी जो एयर के अंदर ट्रांसमिट होती थी, वो गंदी एयर फैलती गई और लोग बीमार होते गए, बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। पीपल हु हैव डिसीजेस हैव टू बी आइसोलेटेड, तो ऐसे लोगों को एक दूसरे से अलग रहना पड़ा ताकि किसी और में बीमारी ट्रांसफर ना हो जाए। उसके बाद ही बहुत सारे लोगों ने, इवन 3 लाख लोगों ने छोड़ दिया, शहर ही छोड़ दिया, और कुछ लोग की मौत भी हो गई। बहुत ही सैड सिचुएशन थी। The scare of plague ensured that this municipal corporation completely cleaned up the city. और उसके बाद इन्होंने मेक श्योर किया, क्योंकि इतना गंदा डर बैठ गया था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी ड्यूटी निभाई, माफी मांगी कि नहीं भाई ये हमारी गलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिया और सारा का सारा क्लीन करना शुरू कर दिया। और तब से लेके आज तक सूरत को सबसे क्लीनेस्ट सिटी बोली जाती है इंडिया में, और सबसे सुंदर भी और सबसे साफ भी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम इन मिस्टेक से ही समझते हैं, तो ये मिस्टेक ही थी ना कि उन्होंने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी समझी नहीं बिल्कुल भी अपनी ड्यूटी और साफ ही नहीं किया, तो इस चक्कर में पूरे सिटी गंदी कहलाने लगी और डर्टी कहलाने लगी। लेकिन जब उन्होंने समझा कि भाई ये तो हमारी गलती थी, तो उन्होंने उसको साफ किया, और आज की डेट में सूरत बहुत ही साफ और बहुत ही सुंदर सिटी मानी जाती है, ठीक है। अब आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताने, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि आपके घर में कूड़े वाली जो ट्रक आता है या गार्बेज ट्रक आता है वो कब आता है। जैसे मेरे एरिया में कूड़े वाला ट्रक सिर्फ मॉर्निंग में आता है, शाम में नहीं आता, और 9 o'clock शार्प पहुंच जाता है वो हमारे गली के अंदर, ठीक है। और डू यू थिंक इट इज सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स, क्या आपको लगता है कि हर एक नेबरहुड में सेम होगा, हर एक सिटी में सेम होगा? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप मुझे बताओ और मैं भी आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक एरिया के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ना हो, बट टाइम डिफरेंस भी हो, कुछ एरिया में 12 बजे गाड़ी पिकअप करती है, कुछ एरिया में 9 बजे करती है, तो इट इज डिफरेंट बिकॉज देयर आर डिफरेंट काउंसलर्स, ठीक है। तो विद दिस चिल्ड्रन वी कंप्लीट आवर लेक्चर। आई होप आप भी, एक कोट से मैं आपको छोड़ना चाहूंगी आज, ओके, मेक neighborhood clean and cleanliness is equal to godliness or cleanliness is next to godliness, yani ki agar aap bhagwan pe believe karte ho ya fir aap super power pe believe karte ho to aapko bhi saaf sutra rehna hai, apne area clean karna hai, ye nahi ki humne bas apna ghar clean kiya hum kooda utha ke bahar fek sakte, that is bad manners, hame bad manners nahi karna, aur aapke neighborhood mein koi bhi aisa kar raha ho aap usko roke aur ek acche champ bag ke champions bane, aur safai ka jo abhiyan shuru hua hai jo mahatma gandhi se inspired tha, bahut pehle aapko pata hai ye
महात्मा गांधी जी ने भी स्वच्छ भारत का ही एक ऐलान किया था, वही हमारे मोदी जी ने, आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको कायम रखा, और मैं चाहती हूँ कि हमारे चैंपियंस क्लास सिक्स के बच्चे भी उसको अच्छे से निभाएं और अवेयर रहें कि जितना हम क्लीन रखेंगे, जितना हम साफ रखेंगे, उतना गंदगी नहीं आएगी, उतनी बीमारियां नहीं फैलेंगी, एंड वी विल बी लिविंग वेरी सेफली एंड हैप्पीली। ऑलराइट, बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।